बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो आपके विंटर टास्क के मुताबिक है। यूनिट 5 हम शुरू कर रहे हैं। यूनिट 5 हमारा जो है वो है एक्सपोनेंट। देख बेटा, अलजेब्रे में हम पावर का लिखते हैं 2 की पावर 5। ये हमारी होती है बेस, ये होती है पावर या एक्सपोनेंट। अब देखिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे कि अगर हमारा एक्सपोनेंट आ जाए तो हम कहते हैं कि जो बेस है वो उतने ही टाइम अपने आप से मल्टीप्लाई होगी। जैसे मैंने लिखा है 2 की पावर 5, तो इसका मतलब है 2 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, एक कॉमन सी मिस्टेक करते हैं। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है पेपर चेक करते हुए मिस्टेक नजर आती है कि जैसे 2 पावर 5 लिखा हुआ है वो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 5 10 कर देते हैं। तो ये एक आम जनरल सी मिस्टेक है, आपने ऐसा नहीं करना। आपने जहन में रखना है कि अगर पावर आ जाए तो वो डिजिट उतनी ही मरतबा अपने आप से मल्टीप्लाई होगा। अब 2 की पावर 5 है तो 2 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32। ये हमारा सॉल्व हो गया है। इसी तरह अगर हमारे पास बाद का क्या करता है डिजिट दे देता है तो वो हमें कहता है कि आपने इसको पावर के अंदर लेके आना है। जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो हम इसे कॉमनली क्या लिखेंगे, देखें अगर बेस एक जैसे हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसकी पावर गिवन है 1 1, इतनी है तो हम लिखेंगे 3 की पावर 1 2 3, यानी इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 की पावर 3। हम इसे सिंपली ये स्टेप ना करें, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 3 की पावर 3। इसी तरह 6 की पावर 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 3। अब देखिए बेस हमारे नीचे वाले जो है ये एक जैसे है, सेम है, तो जब सेम होते हैं तो भाई का जो हमारे एक्सरसाइज 5 शुरू होने से पहले एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल के अंदर लिखा हुआ है कि x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m प्लस n। ये एक लॉ दिया गया है कि अगर बेस एक जैसे हो, पावर आपकी अलग अलग हो, तो बेस को हम कॉमन ले लेंगे और पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये रूल ध्यान में रखना है क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस में ये बार बार आपको आएंगे, इनसे आपको वास्ता पड़ेगा। अब देखिए बेस एक जैसे है तो बेस को हमने क्या करना है, कॉमन ले लेना है, 6 हमने कॉमन ले लिया है। अब इनकी पावर 4 प्लस 3 इक्वल हो जाएगा 6 की पावर 4 और 3 7। ठीक है बेटा, अब बाद का ये सिचुएशन में नहीं दे सकता, हमें क्या दी जाती है 27/64। कहते हैं आप इसे ऐसा पावर करें रैशनल नंबर की, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है। 27 को जब हम फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर इसके लेंगे 3 9 27 3 3 3 1, इसी तरह 64 को हम ले लेंगे 32
16, 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. अब हम लिखेंगे 3 × 3 × 3. 3 × 9 × 9 = 27. अब इसी तरह 64 को फैक्टराइज तो हमने किया है, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
16 टू द 32, 32 टू द 64। आप देखें हमने पावर में लिखना है, अगर मैं इसे देखूं तो ये 3 की पावर 3 बनता है, मैं 3 का पेयर बना दूं, ये हो गया 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3। अब देखिए सबकी पावर 3 है, अगर मैं पावर को कॉमन ले लूं तो 3 और 2 मल्टीप्लाई 2 होल की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 ओवर 2 4 की पावर 3। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसी तरह बालों का क्या होता है कि पावर सेम नहीं आती, जैसे
इसे हम यूं भी लिख सकते हैं x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n हो तो x की पावर m माइनस n आएगा। ये एक ही चीज, ये वाला जो मैंने फार्मूला लिखा है ये एक ही फार्मूला है। ये कैसे माइनस का n आया, ये देख बेटा मैं इसे प्रूव कर रहा हूं। हम कहते हैं कि जब x की पावर n है डिवाइड बाय x की पावर n, डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो पावर का साइन क्या हो जाता है, माइनस में चला जाता है। x की पावर n मल्टीप्लाई x की पावर माइनस n, यानी कि मैंने साइन चेंज किया है यहां, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई लिया है तो पावर का साइन किस में चला गया है, माइनस के अंदर। आप देखिए ये वाला, देखिए ये वाला जो स्टेप है x मल्टीप्लाई x, ये पहला रूल है, यानी कि x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n। तो पहले रूल के मुताबिक हम क्या करते हैं कि जब बेस एक जैसे हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं हो तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हमने x को कॉमन ले लिया m प्लस माइनस n, ये x की पावर m प्लस माइनस माइनस n हो गया। इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्टली लिखते हैं कि x की पावर m डिवाइड बाय x की पावर n हो तो हम लिखते हैं x की पावर m माइनस n। ये दो रूल इकट्ठे इसी एक ही फार्मूले के अंदर अप्लाई हमने कर लिए हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, आपने ब्रैकेट के अंदर देखना है कि क्या होगा। ब्रैकेट के अंदर देखें 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, आपके तो बेस में ये दोनों एक जैसे हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स को क्या करना है, हमने ऐड कर देना है 2 की पावर 3 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 डिवाइड बाय 2 की पावर 8। अब देखिए जो फार्मूला है वो सेकंड फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 की पावर 8 डिवाइड 2 की पावर 8, यानी डिवाइड है x की पावर m डिवाइड x की पावर n वो ही है। तो यहां पे हमने डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। हम डायरेक्टली लिखेंगे 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 8। अब 2 कॉमन ले लिया, 8 माइनस 8 2 की पावर हमारे पास क्या आ गया, 0, और ये इक्वल होता है 1। आपको पहले भी मैंने बताया है कि किसी भी बेस की वेरिएबल के डिजिट की अगर पावर 0 आ जाए तो हम इक्वल किस चीज के देखते हैं, 1 के देखते हैं। आपको प्रूव करके भी दिखाया था मैंने कि x मान हमारा किस चीज के इक्वल होता है 1 के, यानी कि हम सपोज ले लेते हैं इसी 2 को लेते हैं कि ये 2 की पावर 0 है। हमने कहा है कि ये इक्वल किस चीज के आया है, 1 के इक्वल आया है। 0 कब आया है, जब हम लेते हैं 2 की पावर 1 माइनस 1 बैक स्टेप में चल रहे हैं। बैक स्टेप से मुराद कि हम पीछे की तरफ चल रहे हैं। 2 की पावर 0 कब आया है, जब 2 की पावर 1 माइनस 1 था, यानी कि 1 में से 1 गया, 2 की पावर क्या आ गया, 0। अब इसे मजीद ओवर करता हूं तो ये आया था 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस 1, यानी कि ये बेस हमने एक जैसे लिए थे तो इनको हमने ऐड किया था प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1, यानी कि ये स्टेप था। ये कब आया था, 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 2 की पावर 1, यानी कि यहां पे हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया था तो हमने पावर को किस चीज में लेके गए थे, माइनस के अंदर लेके गए। देख बेटा कोई भी डिजिट को वेरिएबल दिया गया हो उन तमाम की पावर क्या होती है, 1 होती है। हम लिखते हैं तो ये लिखा हुआ 2 डिवाइड बाय 2, इसे हम यूं लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय 2। अब देखिए क्या कटिंग हो
वन के इक्वल होता है और ये हमारी साइड पे मैंने ये प्रूव करके दिखाया है टू की पावर जीरो इक्वल वन के है। कैसे वन के इक्वल आई है, हमने बैक स्टेप चल रहे हैं यानी कि उल्टे स्टेप चल रहे हैं। टू की पावर जीरो है, टू की पावर जीरो कब आई थी, जब हमने टू की पावर वन माइनस वन लिया है। तो इसी तरह वन माइनस का वन कब आया था, इसको मैंने ओपन किया है। माइनस वन क्यों आया था कि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया था, इसलिए माइनस का वन आया था। अब ये डिवाइड है, मैंने डिवाइड किया इन दोनों को, तो इक्वल किस चीज के आ गया है, वन के इक्वल आ गया है। अब नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, तो उसमें थ्री ओवर फोर माइनस फाइव कहते हैं, आप इसे ओपन करके लिखे। देख बेटा, ये हमारे क्वेश्चन नंबर टू या थ्री के अंदर ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि उसमें पावर क्या है, माइनस के अंदर है। हम डायरेक्टली अगर पावर माइनस में हो तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं सॉल्व करते कि जब तक पावर प्लस में नहीं आएगी तब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब मैंने पावर को लेके आना है प्लस के अंदर, मैं कैसे प्लस के अंदर लेके आऊंगा कि अगर मैं इन डिजिट की जगह को चेंज कर दूं, रिप्लेस कर दूं, यानी कि नोमिनेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर बना दो, तो ये पावर क्या होगी, प्लस में चली जाएगी। यानी कि अगर मैं इन्हें कर दूं फोर ओवर थ्री होल की पावर फाइव, क्या मैंने स्टेप किए हैं, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज किया है और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज किया है, तो ऑटोमेटिकली जो नेगेटिव एक्सपोनेंट थे वो पॉजिटिव में चले गए हैं, अगर पॉजिटिव में होंगे तो नेगेटिव में चले जाएंगे। ये आपने करना है स्टेप। और बाद जगह पे आपसे रेसिप्रोकल मांगा गया है, जैसे 2 ओवर 3 होल की पावर 2 है, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 2 टू का 4 3 3 का 9, इसका इनवर्स मालूम करना है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आपने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है तो ये हो जाएगा 9 ओवर 4। ये भी आपके चैप्टर के अंदर है। अब इसी तरह एक क्वेश्चन दिया गया है, मेरे कहा है 1 ओवर 3 है, आपने पावर देख लेनी है कितनी इसकी पावर दी गई है, 1 ओवर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 की पावर 5 डिवाइड बाय 1 ओवर 3 की पावर 9। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसे है जैसा आपने पीछे एक क्वेश्चन किया है वो वाला। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई वाले को देख लेना है, ये नहीं करने है डिवाइड वाले को करना चाह रहे हैं, तो यहां पे डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, पावर किस चीज में चली जाएगी, माइनस में 1 ओवर 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 की पावर माइनस 9, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया है तो ऑटोमेटिकली पावर भी किस चीज में चली जाएगी, माइनस के अंदर चली जाएगी। अब देखिए तमाम के तमाम मल्टीप्लाई जीके वाले बेस आपके एक जैसे हैं, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 1 ओवर 3 4 प्लस 5 माइनस 9, ये हो जाएगा 1 ओवर 3 की पावर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 1 ओवर 3 की पावर 0, और किसकी पावर 0 हो तो आपने बताना है किस चीज के हम इक्वल लेते हैं, 1 के इक्वल लेते हैं। अगर यूं ना करना चाहे तो पहले इन दो को आप देख लें, इन दोनों के जो एक्सपोनेंट हैं उनको ऐड कर देना है, ऐड करने के बाद 9 आ जाएगा, डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, चेंज करने
ऊपर क्या डिसेंट है जीरो और वो इक्वल किस चीज के होगा वन के इक्वल होगा। ये हमारी एक्सरसाइज थी, आपने बेटा इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीक में आपके जो टेस्ट होंगे एक्सप्लेनेंट कैसे भी